जय बोलो मन्नत वाले बड़े बाबा श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनिराज की जय। महानुभाव, हम सभी लोग भगवान की पूजा आराधना करते हैं या स्वाध्याय आदि करते हैं, तो हम भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? शास्त्राभ्यासो जिनपतिनुति संगति सर्वदारयी सर्वतानां गुणगथा दोषवादे च मौनम सर्वस्यापि प्रीहितवचो भावना चात्मतत्वे संपतन्त्यां मम भवे यावते ते पवर्गः। हे भगवान, शास्त्राभ्यास हो, मेरे जीवन में शास्त्र का अभ्यास होता रहे, यही मुझे भक्ति का फल चाहिए। शास्त्राभ्यास हो जिनपति नुति, और मैं आपके चरणों में सदा रहूं। संगति सर्व आर्यी, और सदा ही मैं आर्य पुरुषों की संगति करूं। सर्वतानाम, और जो सतव्रत हैं उनको मैं धारण करूं। सर्वत्ता नाम गुण गण कथा, और जो गुणवान लोग हैं गुणी लोग हैं उनकी कथा को मैं कहता रहूं, बोलता रहूं, सुनाता रहूं। दोष वादे च मौनम, और कभी भी कहीं बुराई बात चल रही हो, दोष की बात चल रही हो, निंदा की बात चल रही हो, वहाँ से मैं हट जाऊँ, मैं मौन रहूँ, मेरे वचन से कभी भी देव शास्त्र गुरु और धर्मात्मा के प्रति निंदा के भाव ना लगें। आपका जो यह धर्म है मेरी आत्मा में सदा ही स्मरण रूप में रहे, देहांत के समय भी जब तक मेरा निर्वाण न हो, जब तक मुझे मुक्ति की प्राप्ति न हो, तब तक यह मस्तक जो है वो आपके चरणों में सदा रहे, और आप जो हैं मेरे हृदय कमल में रहें, ऐसी मेरी मंगल प्रार्थना है, ऐसी मेरी मंगल भावना है। महानुभाव, ऐसा जो सम्यक दृष्टि भावना भाता है, इस भावना से जो भी प्रभु से जुड़ता है उसका कल्याण जरूर होता है। आप सब लोग टीवी के माध्यम से शांति धारा अभिषेक विधान अनुष्ठान से जुड़ रहे हैं, सचमुच में आप भव्य जीव और धर्मात्मा जीव हैं। महानुभाव, दिल्ली का सुप्रसिद्ध रत्नातर्जन मंदिर द्वारका, जहाँ पर 1600 वर्ष प्राचीन भगवान पारसनाथ की प्रतिमा विराजमान है, और जिसका आप रोज प्रथम अभिषेक और महाशांति धारा देख रहे हैं। आज महाशांति धारा में 8 परिवारों के यहाँ पर नाम आए हुए हैं, और अन्नपूर्णा आचार्य विद्या नाम के से चल रहा है, जहाँ से 400-500 लोगों का भोजन रोज निःशुल्क वितरण हो रहा है, उसमें 2 परिवारों के नाम आए हुए हैं। सभी महानुभावों को मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। अपना नाम शांति धारा में शांति मंत्रों के साथ शांति पूर्वक सुने। दर्शकों, आइए दर्शन करते हैं श्री रत्न त्रय जिन मंदिर द्वारका के, जहाँ विराजित है भूगर्भ से प्रगटित 1600 वर्ष प्राचीन चमत्कारी मन्नत वाले बाबा श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान, जिनके दर्शन मात्र से भक्तों के सभी दुख संकट दूर हो जाते हैं। काले पाषाण से निर्मित इस प्रतिमा की भव्यता देखते ही बनती है। इस विशाल मंदिर परिसर में कैलाश पर्वत की भव्य प्रतिकृति भी बनाई गई है, जो कि बेहद मनभावन है। इस रचना में छोटी छोटी प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, जो कि बेहद सुंदर प्रतीत होती हैं। अन्य वेदी पर रत्नमयी प्रतिमाओं की 24 भी स्थापित है। इसके बाद दर्शन करते हैं भूगर्भ से प्रकटित 1100 वर्ष प्राचीन मंशा पूर्ण श्री महावीर भगवान के, जो कि बेहद चमत्कारी है। इस प्रतिमा के चमत्कार से कई भक्त प्रभावित हैं, क्योंकि इसके दर्शन मात्र से रोग शोक नष्ट हो जाते हैं। इसी वेदी पर अनेकों रत्नमयी प्रतिमाएं भी स्थापित हैं। आइए अब दर्शन करते हैं सहस्त्रकूट मान स्तंभ के, जिसमें अष्ट धातु की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। बहुत कम मंदिरों में ऐसे सहस्त्रकूट मान स्तंभ स्थापित किए जाते हैं। मंदिर जी में होमचा पद्मावती माता भी विराजित है। इसी तीर्थ में आचार्य विद्यानंद पुस्तकालय भी बनाया गया है, जहाँ प्राचीन शास्त्रों का भंडार स्थापित है। मंदिर जी के तलघर में आचार्य विद्यानंद सभागार भी बना हुआ है, जहाँ समय समय पर विशेष आयोजन किए जाते हैं। इसी सभागार की दीवारों पर श्री भक्तामर जी स्तोत्र के श्लोक चित्र अंकित किए गए हैं, जो कि सभागार को भव्य रूप प्रदान करते हैं। मंदिर जी के प्रांगण में आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी महाराज की प्रेरणा से विश्व की प्रथम आचार्य विद्यानंद स्वर्ण कीर्ति स्तंभ भी स्थापित किया गया है, जो देखने में बेहद सुंदर प्रतीत होता है। मंदिर जी के ऊपरी हिस्से में द्वारकेश्वर भगवान बाहुबली की प्रतिमा भी स्थापित है, जो कि गोमतेश्वर भगवान बाहुबली की प्रतिकीर्ति है, कि जो लोग श्रवण बेलगोला नहीं जा पाते हैं, वह यहाँ आकर उसकी प्रतिकीर्ति के दर्शन कर तृप्त हो सकते हैं। इस परिसर में भव्य 24 भी बनी हुई है। तीर्थ परिवार में अहिंसा वाटिका भी बनी हुई है, जहाँ लोग अपने परिवार के साथ बैठकर आराम ले सकते हैं। ओम
ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं ज्वीं ज्वीं छ्वीं छ्वीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन जिन अभिषेक्ष्यामिति स्वाहा। ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः श्रीवीतरागाय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं ज्वीं ज्वीं छ्वीं छ्वीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो अर्हते भगवते श्रीमते। ॐ ह्रीं क्रों मं पापं खण्डे खण्डे हन हन दह दह पच पच पाचय पाचय। ॐ नमो अर्हं झं ज्वीं छ्वीं हं सं झं पा छां छीं छुं छं छ छ्वीं छ्वीं रां ह्रीं रुं रं रं द्रां द्रीं द्रावय द्रावय नमो अर्हते भगवते श्रीमते। टाटा अस्माकम। आज हमारे पास संतधारा में सात परिवारों के नाम, आठ परिवारों के नाम आए हुए हैं। इन परिवार में सदैव सुख शांति समृद्धि एवं मन्नत वाले बाबा का आशीर्वाद बना रहे, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार से नाम है शकुंतला जी जैन, बबीता जी जैन सा परिवार, सोनीपत द्वारका निवासी स्वास्थ्यलाभार्थम, महावीर पाटिल बेलगावी कर्नाटक निवासी सुख शांति हेतु, नंदलाल चंद्रकांता देवी राजकुमार पटना, प्रदीप प्रमोद सुबोध अनिल संजय समस्त पहाड़िया परिवार पटना सूरत नागपुर निवासी स्वास्थ्यलाभार्थम, दिविशा जैन पाटनी ताराचंद शारदा पाटनी पीयूष सुरभि दीपेश रिचा खुशी जयपुर सौरिस रायसा द्वारा जयपुर निवासी स्वास्थ्यलाभार्थम, नंद किशोर मैना देवी राजेश एकता मुनेश सपना रुचिता ऋषभ मिताली श्रेयान जैन काठमांडू नेपाल निवासी स्वास्थ्यलाभार्थम, श्रीमती रजनी जी धर्मपत्नी श्री शरदराज जी कासलीवाल अंशुल अभिलाषा रहने से समस्त परिवार रोहड़ी दिल्ली निवासी स्वास्थ्यलाभार्थम। इनकी 21 दिन शांतधारा मंदिर जी में चल रही है। नंद किशोर जी की भी 21 दिन शांतधारा मंदिर जी में चल रही है। ताराचंद शारदा पाटनी जी की भी 21 दिन शांतधारा जयपुर वालों की मंदिर जी में चल रही है। नंदलाल चंद्रकांता देवी जी की भी 21 दिन शांतधारा मंदिर जी में चल रही है। श्रीमती शारदा देवी पाटनी जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्री कैलाश चंद पाटनी अशोक कुमार पुष्पा देवी अंकित प्रियंका दीपक अवाम सांची जैन इम्फाल मणिपुर निवासी स्वास्थ्य लाभार्थम, इनकी भी 21 दिन शांतारा मंदिर जी में चल रही है। सुरेश जी रावका श्रीमती अंजना वैभव रश्मि श्वेता नेहा श्रुति लब्धि वंशिका देशना लायरा जैन समस्त रावका परिवार छत्री योजना वैशाली नगर अजमेर निवासी स्वास्थ्य लाभार्थम, इनकी भी 21 दिन शांतारा मंदिर जी में चल रही है। श्रीमती भवरी देवी गंगवाल जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती सुशीला श्रीमती निर्मला नरेंद्र जी राजेंद्र संतोष जैन की ओर से कोलकाता निवासी स्वास्थ्य लाभार्थम, इनकी भी 7 दिन शांतिधारा मंदिर जी में चल रही है। ओम सर्व शांतिधारा कर्ता करने वाले देश विदेश में टीवी के सामने बैठकर देखने वाले हम सकल जैन समाजस्य सर्व जीवस्य श्रीरस्तो वृद्धिरस्तो तुष्टिरस्तो पुष्टिरस्तो शांतिरस्तो कांतिरस्तो कल्याणमस्तो शिवमस्तो जयोस्तो नित्यम आरोग्यमस्तु समृद्धिरस्तु सुखमस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोधनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्रीवलायु आरोग्यस्वरे वृद्धिरस्तु स्वाहा। एवं कार्यसिद्ध्यर्थं सर्वविघ्ननिवारणार्थं श्रीमतरहत सर्वज्ञ परमेष्ठी परम पवित्राय नमो नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्रीमत् पार्श्वनाथ तीर्थंकराय श्रीमद्रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजमूर्तये प्रभामंडल मंडिताय श्री द्वादशगढ़ सहिताय अनंत चतुर्सहिताय समवसण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय षट्चत्वारिंशत् गुण परमेश्वरी परम पित्र सम्यक ज्ञान है स्वयं भवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मा ने परम सुखाय तेन लोक वसंकार है सत्य ज्ञान है सत्य ब्राह्मणे धर्णेन्द्र फड़ा मंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रथम संगोप सर्ग विनाशनाय गाती कर्म छयंकर अजरा अव्वा सर्वसांधारा कर्ता करने वाले देश विदेश में टीवी क्षण बैठकर देखने वाले सर्वस्व जीवस व्याधिम घनंतो व्याधिम घनंतो व्याधिम घनंतो। श्री जिनाभिषेक पूजन प्रसाद अस्माकम सेवका नाम सर्व दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो अर्हते भगवते प्रक्षीणाशेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्तये नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगा मृत्यु विनाशनाय सर्व पर्क क्षुद्र उपद्रव विनाशनाय सर्व छाम डामर विनाशनाय सर्वार्य शांति कराय। ओम राम रीम रोम रम रा सिया उषा नमः।
मम सर्वविघ्न शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु स्वाहा। अस्माकं सर्व शांति धारा कर्ता करने वाले देश विदेश में टीवी क्षण बैठकर देखने वाले हम सकल जैन समाजस्य सर्व जीवस्य अवादा ओम सुदर्शन महाराज मम चक्र विक्रम तेजवल सर्वीर शांति सर्वजनानंदना सर्वव्यानंदना सर्वगोकुलानंदना सर्वग्राम नगर खिड़मुख संवाहानंदना संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र श्यामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। ये विधि मंगल आरती कीजे पंच परम पद भजे सुख लीजे। जय बोलो परम पूज आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनिराज जी की जय। महानुभाव कल बहुत सुंदर तरीके से पूरे देश और विदेश में आचार्य बिमल सागर महाराज जी की पुण्यतिथि मनाई गई। हम सभी लोगों ने उद्गार प्रस्तुत किए जूम आदि के माध्यम से, सभी को मंगल आशीर्वाद भी दिया और गुरुदेव की महिमा के बारे में बताया। सभी भक्तों को मेरा बहुत आशीर्वाद है, बिमल सागर महाराज जी की स्मृतियां सदा हमारे जीवन में बनी रहें, यह भावना सदा भाते रहें। जबलपुर में ब्राह्मी आश्रम है और वहाँ पर मणिबाई जिन्होंने हजारों ब्रह्मचारियों को बनाया और मोक्ष मार्ग में लगाया, आचार्य से मंगल आशीर्वाद भी प्राप्त किया, आज उनकी आश्वस्तता है, समाधिस्थ हैं, समाधि के रूप की ओर अग्रसर हो रही हैं। मेरा उनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आप स्वस्थ रहें और आप पर जो रत्नत्र धारण करके अपने आत्मा को सफल बनाएं, इसी भावना के साथ आपको मंगल आशीर्वाद और आने वाला 9 वर्ष आपके जीवन में मंगल लेके आए। आप मंदिर के जो हैं शांति धारा से, विधान से और 48 जो मांडले बन रहे हैं उससे जुड़ करके धर्म लाभ लें, बहुत आशीर्वाद। रत्नत्र जिन मंदिर में आचार्य विद्यानंद पूर्णतः जो भोजन वितरण कार्यक्रम चल रहा है आज उसमें 2 परिवार के नाम आए हुए हैं, शकुंतला जैन जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु बिमल चंद महावीर सुधा मनन निकिता छावड़ा विज्ञान नगर कोटा निवासी पवन जी गोदा प्रीति जी गोदा शक्ति नगर दिल्ली निवासी बल तरफ से इनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना एवं आने वाले रविवार के दिन मंदिर जी में अभिनंदन नाथ विधान का आयोजन किया जा रहा है। जिस किसी महानुभाव को अपनी ओर से विधान कराना हो वह शीघ्र किसी के नाम देकर के धर्म लाभ ले सकते हैं। जय जी ने बोलो 1600 वर्ष प्राचीन पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलो आचार्य विद्यानंद जी महाराज की जय। बोलो परक सागर जी महाराज की जय। महाराज की बड़ी अनुकंपा हमारे ऊपर है, हमारी कमेटी के ऊपर है और उन्होंने एक नई योजना का प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसमें हमारे जो शांति धारा कराने वाले श्रावक गण और अन्नपूर्णा योजना से जुड़ने वाले जो श्रावक गण हैं वो उनका हम एक ड्रा प्रतिदिन निकालेंगे जिसका पार्श्वनाथ के चरणों में समस्त जैन समाज के सामने ड्रा निकाला जाएगा और ये कार्यक्रम शीघ्र ही पार्श चैनल पे आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। और इसके जो हमारे प्रायोजक हैं जो हैं हमारे पीयूष जैन निम्बी जैन जी प्रीतमपुरा वाले निवासी हैं, हम उनका भी बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देते हैं। एक प्रश्न पार्श चैनल पर डेली पूछा जाएगा आपसे जिसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें आपको एक ऑप्शन को अडॉप्ट करके सही जवाब देना है और सही जवाब देने वाले को हम ये चांदी की माला कोरियर द्वारा उसका जो भी एड्रेस होगा वहाँ पे हम भिजवाएंगे। 1 से अधिक नाम आने पर उनका चयन हम ड्रा द्वारा करेंगे। जो ड्रा हमारा डेली पारस चैनल के सामने मंदिर के प्रांगण में पारस के चरणों में समस्त समाज के सामने निकाला जाएगा और ये कार्यक्रम डेली हमारा चलेगा। बंधु सादर जय जिनेन्द्र। जैसा कि आप सभी को विदित है रत्नत्र जिन मंदिर द्वारका दिल्ली का सुप्रसिद्ध मंदिर है, अतिशय क्षेत्र है जहाँ पर लोगों के दुख दूर होते हैं। आप भी यहाँ पर अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य पर या फिर विवाह वर्षगांठ हो या घर पर किसी की पुण्यतिथि हो या कोई भी शुभ मंगल कार्य हो यहाँ पर आप शांति धारा करा सकते हैं, जिसकी एक दिन की राशि शांति धारा की मात्र 1100 रुपये है, 7 दिन की मात्र 5100 रुपये, 21 दिन की मात्र 11000 रुपये एवं 51 दिन की मात्र 21000 रुपये है। एवं आचार्य विद्यानंद अन्नपूर्ण तहत जो भोजन वितरण कार्यक्रम चल रहा है, निःशुल्क भोजन वितरण चल रहा है, उसकी 1 दिन की राशि मात्र 2100 रुपये, 3 दिन की राशि मात्र 5100 रुपये एवं 7 दिन की राशि मात्र 11000 रुपये है। इसमें आप यहाँ पर करा करके धर्म लाभ ले सकते हैं। जय जिने
सभी। इस प्रसारण के पुण्यार्जक परिवार हैं रजनी, वाइफ ऑफ श्री शरद राज कासलीवाल, वर्धमान एयरपोर्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली। प्रीति, वाइफ ऑफ श्री पवन जैन गोधा, अरिहंत ट्रांसपोर्ट, शक्तिनगर, दिल्ली। श्रीमती राजबाला जैन, वाइफ ऑफ श्री जय भगवान जैन, पीतमपुरा, दिल्ली।